एक बार भगवान श्री राम ने जब जानकी जी से विच्छो हुआ तो बहुत समय व्यतीत हो गया और उनके मन में था कि मैं जानकी को एक बार देखूं, क्योंकि वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे है। तो उन्होंने माध्यम बनाया हनुमान जी को, क्योंकि तुम्हें पुत्र मानती है तो तुम्हारी बात को कभी वो टाल नहीं सकते। तुम जाकर एक बार जानकी को यहाँ ले आओ। उस समय एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि रावण का एक छोटा पुत्र रह गया था और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वरदान मांगा, और वो ये वरदान था कि पतिव्रता नारी के अलावा मैं किसी से ना मरूं। तो उसने आते ही भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पे आक्रमण कर दिया। बड़ी बड़ी पतिव्रता नारी सामने आ गई अवध की, लेकिन कोई उसका उसे रोक नहीं पा रही, किसी की शक्ति नहीं उसको नष्ट करने की। उसके सामने बड़ी बड़ी पतिव्रता हल्की पड़ रही थी। तब राम जी ने कहा, केवल सीता के अंदर ये बल है कि वे इस राक्षस का अंत कर सकती है। हनुमान जी को भेजा गया कि जाकर ये कह देना कि मेरा जो जीवन है संकट में है, बस एक बार अपनी झलक दिखा जाए, एक बार अपना स्वरूप का दर्शन करा जाए, मुझे देख जाए, मैं एक बार सीता को अपना अंतिम रूप दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं उसका अंतिम रूप देखना चाहता हूँ। हनुमान जी जाते हैं, जैसे माँ जानकी को कहते ना, राम जी अस्वस्थ हैं, बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, कोई पता नहीं है। उस समय जानकी जी इतने भाव में होती है, इतनी भावुक हो जाती है कि उनको लगता है कि कहीं मेरे जाने से पूर्व भी कहीं ऐसा ना हो मैं मेरे पति का वो स्वरूप ना देख पाऊं। तो दौड़ती हैं, भूल जाती हैं कि उनको वन में भेज दिया गया है, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की कि वो बिना राम जी के कहने पर नहीं आएंगे, भूल गई उस समय। जैसे ही अवध के अंदर प्रवेश करना चाहा तो वो रावण का पुत्र खड़ा था, उसने जाने नहीं दिया। जानकी जी कहती, मुझे मेरे प्रभु को देखना, एक बार हट जाओ यहाँ से। वो कहता कि मैं जाने ही नहीं दूंगा। तब उस समय प्रभु से मिलने की लालसा में अत्यधिक क्रोधित हो गए जानकी जी ने तिनका उठाया और कहा, यदि मैंने अपने जीवन में अपने प्रभु के अलावा कभी किसी की और दृष्टि भी नहीं की है तो यही तिनका तेरे लिए शस्त्र का काम करेगा, तुझे जलाकर भस्म कर देगा। और छोड़ा, वही तिनके ने उस राक्षस को जला डाला। फिर तो अवधवासी हक्के बक्के रह गए, इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है, ये तो प्रमाण मिल गया। लेकिन जानकी जी ने किसी की ओर दृष्टि नहीं की, दौड़ कर गई प्रभु के समक्ष। लेकिन जब प्रभु को सिंहासन पर स्वस्थ पाया तब इसे अब उन्होंने अपना अपमान समझा कि कहां तो मुझे निर्वासित कर दिया और झूठा बहाना बनाकर मुझे बुलाया, मेरा उपहास किया। तो वहीं से प्रणाम करके लौट जाती है। लेकिन जब हनुमान जी उनको छोड़ने के लिए जाते हैं तब वो कहती है, हनुमान तुमने मेरे से असत्य बोला, झूठ कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं लेकिन तुमने मेरे से इतना बड़ा मेरे विषय में सोचा भी नहीं। तुमने ये कहा कि राम जी के ऊपर भारी कष्ट है और मैं दौड़कर आई, लेकिन अब तुम्हें ये सब कष्ट देखना पड़ेगा। जब सशरीर भगवान इस धराधाम से जाएंगे तब तुम अपनी आंखों से देखोगे, और विवशता ये है कि तुम उनके साथ जा नहीं पाओगे। और जब हनुमान राम जी का स्वधाम का हुआ कि अब इस लोक को धर्म की स्थापना करके जाना चाहिए साकेत धाम, तब शास्त्रों में बताया कि हनुमान जी के समक्ष एक मुद्री डाल दी, किसमें, एक गुफा नुमा एक बिल के अंदर, जाओ हनुमान इस अंगूठी को लेकर आओ। हनुमान जी जाते नागलोक में, वहां बहुत सारी अंगूठी पहले से पड़ी होती, पूछते हैं इसमें प्रभु की कौन सी है, ये इतनी सारी अंगूठी बिल्कुल राम जी जैसे। बोले जब राम जी को जाना होता है ना तब इतने हनुमान जी आ चुके हैं और भगवान जा नहीं सकते, क्योंकि हनुमान ने काल का दरवाजा रोक रखा था।
इसलिए बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ भेजते हैं। जब पूरा साकेत धाम जा पूरे अयोध्या वासी साकेत धाम जा रही थी, हनुमान जी ने जब पूछा प्रभु मैं मुझे साथ में नहीं, तब प्रभु कहते हैं हनुमान जब तक मेरी कथा इस धरा धाम पर रहेगी तब तक साक्षात मैं ही यहाँ पर हूँ मेरी कथा के रूप में, तब तक इस धरा धाम पर तुम्हें रहना है। और यही वरदान मांगा है श्री हनुमंत लाल ने, जब तक इस धरा धाम पे प्रभु की कथा है तब तक इस धरा धाम पर प्रभु जहाँ जहाँ कथा हो उस एक एक कथा को भी मैं ना छोड़ूं, हर जगह वहाँ बैठ करके आपकी कथा को श्रवण करूं, ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य ऐसे सुनने का माधुर्य आप मुझे प्रदान करना कि मैं अगर बैठूं तो ऐसा ही लगे जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ज्ञानी नाम अग्रण है, उनके समान कोई ज्ञानी नहीं, किंतु वो बैठते हैं जब प्रभु की कथा में तो एकदम अज्ञ बनकर जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं। वक्ता यदि भूल भी जाए किंचित मात्र हनुमान जी को बुलाना, फिर भी उनका आना निश्चित है, छोड़ नहीं सकते प्रभु की कथा को, ऐसे दिव्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। दासता क्या होती है, समर्पण भाव क्या होता है, ये सिर्फ हनुमान जी के ही जीवन से आप देख सकते हैं, सिर्फ हनुमान जी के जीवन।